So today we are going to see investigations required in diagnosis of dengue. Investigations in dengue. In dengue. This is very simple. और इन्हीं investigation के basis पे आप लोग आगे decide करोगे fluid देना है, कितना देना है, कब रोकना है, blood कब देना है, platelet कब देना है. तो जब भी यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट हीमोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चीज जिसको हम लोग देखेंगे, दैट इज ए हीमोग्लोबिन HB. HB यहाँ पे बढ़ सकता है तो भी खतरा है, कम हो जाए तो भी खतरा है. बढ़ गया मतलब हीमो कंसेंट्रेशन हो रहा है, और कम हो गया इसका मतलब है कहीं ब्लीड हो गया है ना. तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. आगे वाली लाइन लिखते हैं बोथ कंडीशंस आर डेंजरस, बोथ कंडीशंस आर डेंजरस. कैसे डेंजरस है इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले हम लोग पैक्ड सेल वॉल्यूम की बात करते हैं. टीएलसी छोड़ दो, डीएलसी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है वहां पे. एमसीवी वगैरह की कोई यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं, हम लोग एनीमिया नहीं पढ़ रहे हैं. सेकेंड चीज हम लोग हीमोग्राम में देखेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम, या इसी को हम लोग कहते हैं और हिमेटोक्रिट HCT, हिमेटोक्रिट. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूं कि एक टेस्ट ट्यूब में आप ब्लड इकट्ठा कर लीजिए, टेस्ट ट्यूब है, कोई भी कंटेनर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब, और इसमें आप लोग ले लीजिए ब्लड, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स होंगी वो अलग हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी कुछ देर में इस तरीके से. जो भी सेल्स हैं प्लेटलेट RBC WBC मेनली RBC, ठीक है, मिलियंस में RBC होते हैं. तो यहाँ पे ये सेल्स हैं, तो सेल्स की अगर देखा जाए हम लोगों को कितनी स्ट्रेंथ होती, तो हम लोग कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV, या इसी को हिमेटोक्रिट HCT. ये जो नॉर्मल होता है ये होता है आपका लेस देन या अप टू 45%. इसके अलावा जो लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, वो हम प्लाज्मा कहते हैं. दिस इज प्लाज्मा. तो जो बच गया वो आपका प्लाज्मा है. जाहिर सी बात है जो ये आपका प्लाज्मा है ये 55% नॉर्मली होता है. तो जब हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं नॉर्मल लगभग आपका 14 या 15 होता है नॉर्मल. PCV की जब बात करते हैं तो ये आपका नॉर्मल लगभग 45 होता है. यहाँ पे एक रिलेशन है ना. देयरफोर PCV इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन इनटू 3. एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. मान लीजिए किसी का इफ हीमोग्लोबिन इज 5, मतलब बहुत सीवियर एनीमिया है ना, 5 ग्राम परसेंट. इसका मतलब देयरफोर PCV कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15. इसका मतलब PCV 15% है, बाकी सब पानी है. उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, RBC कम है, वाटर या प्लाज्मा कंटेंट ज्यादा है, ठीक है. चलिए, तो ये आपका बहुत ही सिंपल था कॉन्सेप्ट. अब इसी के बेसिस पे कितना हीमोग्लोबिन है, कितना PCV है, हम लोग देखेंगे BP से रिलेट करते हुए कि पेशेंट को क्या देना है. जाहिर सी बात है चाहे ब्लड वेसल से वाटर निकले, चाहे ब्लड वेसल से ब्लड निकले, हर केस में ब्लड वॉल्यूम कम होगा. डेंगू के पेशेंट में हीमो कंसेंट्रेशन काफी कॉमनली देखा गया है, जिसकी वजह से अगर ब्लड वॉल्यूम ही नहीं होगा तो BP पेशेंट का कम होगा. BP कम होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट शॉक में चला जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा, डेथ होगी. तो डेंगू के पेशेंट में BP ही फॉल होता है जो मेन कॉज होता है डेथ का. चाहे ब्लीड हो जाए तो भी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, चाहे वहां से फ्लूइड का लॉस हो जाए, वाटर का लॉस हो जाए ब्लड वेसल से और वो थर्ड स्पेस में चला जाए, जैसे प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी. तो देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यही यूज कर लेते हैं.
कॉन्सेप्ट इन डेंगी बीपी डिक्रीजेस, ठीक है, ज्यादातर बीपी आपका फॉल करता है ड्यू टू टू रीजंस। टू रीजंस क्या हैं आपका, एक तो फर्स्ट वाटर लॉस फ्रॉम ब्लड वेसल, फिर यहाँ पे ये ब्लड वेसल है देयरफॉर ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, देयरफॉर आपका बीपी कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या है, कभी कभी ब्लीड हो जाता है ना, ब्लीड फ्रॉम वेसल्स, तो ऐसे केस में भी आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और बीपी कम हो जाएगा। अब ये बीपी को आप पकड़े रहो, यहाँ पे बीपी कम हो गया मतलब पेशेंट का बीपी नहीं मेंटेन हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है ना। डिक्रीज इन बीपी, डिक्रीज इन बीपी इंडिकेट्स वर्सनिंग ऑफ पेशेंट, वर्सनिंग ऑफ पेशेंट कंडीशन। अब आप लोग देखिएगा, जब जब बीपी कम होगा तभी हम लोग कहेंगे पेशेंट की कंडीशन आपकी इंप्रूव नहीं कर रही या बल्कि खराब हो रही है। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल, ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, यहां से मैंने कह दिया कि आपके जो एंटीबॉडीज थे वो एंडोथीलियम को डैमेज किए, यहाँ पे वाटर बाहर निकल गया। जाहिर सी बात है अगर वाटर बाहर निकल जाएगा ब्लड से तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन या एक कह सकते हैं हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर हीमो कंसंट्रेशन, दिस हीमो कंसंट्रेशन इज नॉट गुड, इसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन अब देखो वाटर बाहर जा रहा है जो हमारी पहली कंडीशन थी, तो बीपी कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमारा बीपी कम हो रहा है, मतलब पेशेंट गड़बड़ हो रहा है, और हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, और हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है आरबीसी कंसंट्रेट हो रही है, पीसीबी भी बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या निकला है, फ्लूइड निकला है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इस, यहाँ पे इस कंडीशन में एच बी आपका ज्यादा हुआ, अच्छी बात नहीं है ज्यादा हो जाए एच बी यहाँ पे, वैसे तो हीमोग्लोबिन ज्यादा ही होना चाहिए, पीसीवी ज्यादा हो गया। तीसरी कंडीशन है बीपी कम हो गया। तो इस तरीके से आपके डेंगी पेशेंट में आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, पीसीवी बढ़ जाता है, इसका मतलब जो डेंगी है वो सीवियर डेंगी है ना, दैट इज पुअर पेशेंट कंडीशन। कहाँ पे, फिर से हमने किससे रिलेट किया, बीपी से, पुअर पेशेंट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल वन था, एग्जाम्पल टू, यहाँ पे भी ब्लड वेसल बनाया हमने, यहाँ पे हमने कह दिया केवल वाटर नहीं निकल रहा है पूरा ब्लड बाहर निकल रहा है, मतलब ये ब्लीड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर तो निकल ही रहा था, प्लेटलेट बहुत कम हो गए इसीलिए ब्लीड किया होगा, इसका मतलब अगर यहाँ से ब्लीड कर रहा है तो ब्लड वॉल्यूम तो कम होगा ही, जो वेसल के अंदर ब्लड था वो बाहर निकल गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, बीपी आपका कम हो गया। अगर ब्लीड कर गया है कोई पेशेंट तो क्या ही हीमो कंसंट्रेशन होगा, अंदर आरबीसी भी नहीं बची है वो भी निकल गई है, तो यहाँ पे इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी कम हो गया और पीसीवी भी कम हो गया। तो हम चाहते क्या है, हीमोग्लोबिन और पीसीवी दोनों बढ़ रहा है तो भी दिक्कत है, दोनों कम हो रहा है तो भी दिक्कत है, मेन दिक्कत क्या है, चलो ये घट रहे हैं बढ़ रहे हैं दैट इज डिफरेंट, बीपी आपका इंप्रूव नहीं हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन को कौन बताएगा, बीपी बताएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में देख लेते हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, पीसीवी कम हो गया,
पेशेंट की कंडीशन कैसे देखें, बेचारे का बीपी फॉल हो रहा है, बीपी कम हो गया, यहाँ पे आप फ्लूइड तो दोगे ही क्योंकि ब्लीड हुआ है, ब्लड को रिप्लेस करोगे, यू नीड टू गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड से ज्यादा ब्लड इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इस केस में आपको ब्लड देने की कोई जरूरत नहीं, हीमोग्लोबिन तो बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पे अक्सर ये सजेस्टिव ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा है। अब एक और कंडीशन देखते हैं, फिर इसको रिवाइज करते हैं, एक अच्छी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूं किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, पीसीवी कम हो रहा है, लेकिन बहुत कम, मतलब मैं कहता हूं पहले 15 था, 15 से 14 हो गया, पीसीवी आपका पहले 45 था, अब 42 हो गया। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बीपी इसका इम्प्रूव हुआ है या नॉर्मल हो गया है, इसका मतलब आपने फ्लूइड दिया, ठीक है, और पेशेंट ठीक हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट इम्प्रूविंग। हमें बढ़ाना क्या था, बीपी ही बढ़ाना था, बढ़ गया, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा फ्लूइड दिए होंगे तो डाइल्यूट हो गया होगा। तो अगर बीपी किसी का कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ वाटर लॉस हो रहा है या होल ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमें कभी वाटर रिप्लेस करना है, कभी ब्लड रिप्लेस करना है। लेकिन अगर बीपी नॉर्मल है या बीपी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो हमने फ्लूइड दिया है उसको रेस्पॉन्ड किया है, मतलब पेशेंट इम्प्रूविंग, कंटिन्यू गिविंग फ्लूइड्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था और यही इन्वेस्टिगेशन में हमें पढ़ना था, बाकी तो अभी हम लोग डेंगी प्रोफाइल देखेंगे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए तो इसकी बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आपका सिंपलेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्राम। आपका हीमोग्लोबिन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों डेंजरस है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और उसके साथ पीसीवी भी कम हो रहा है, बीपी भी कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके पेशेंट में कहीं ना कहीं से ब्लड वेसल से ब्लीड हो गया है, इंटरनल ब्लीड हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में हो गया हो सकता है पेरिटोनियल कैविटी में हो गया हो, प्लूरल कैविटी में या पेरिकार्डियल में। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट देखा, जो सेल्यूलर पार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, सेल्यूलर पार्ट 45% होता है, प्लाज्मा आपका 55। यहाँ पे अगर यहाँ से प्लाज्मा से आपका वाटर निकल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आरबीसी वाला पार्ट या सेल्यूलर पार्ट या पीसीवी या हिमेटोक्रिट बढ़ जाएगा, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। तो जो हमारा ट्रीटमेंट बेस्ड होता है डेंगू का, वो हीमोग्लोबिन और पीसीवी को देख के होता है ना। यहाँ पे हम लोगों ने हीमोग्लोबिन और पीसीवी का रिलेशन देख लिया है, यूजली यहाँ पे 1:3 का रिलेशन होता है, अगर हीमोग्लोबिन 15 है तो पीसीवी उसका 3 times होगा, अगर हीमोग्लोबिन 5 है तो पीसीवी यहाँ पे आपका 15 होगा। कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए हैं हम लोगों ने, कहा है चलो अभी हेमरेज नहीं हो रहा है, केवल वाटर लॉस हो रहा है, तो बीपी कम होगा, अच्छी कंडीशन नहीं होगी, वाटर लॉस नहीं होना चाहिए ब्लड वेसल से, तो हम लोग फ्लूइड देंगे, है ना। और ऐसे केस में भी आपका अगर वाटर लॉस हो रहा है तो पीसीवी भी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है, हम कह रहे हैं अभी भी बीपी कम हो रहा है, लेकिन इस केस में हीमोग्लोबिन और पीसीवी बढ़ नहीं रहे हैं, वो भी कम हो रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में कहीं पे वेसल आपकी रप्चर हो गई है या वहां से ब्लड लॉस हो रहा है। ऐसे केस में हम लोग आपको क्या देंगे, पेशेंट को ब्लड देंगे। यहाँ पे एक क्लिनिकल कंडीशन ऐसी बनी कि आपका हीमोग्लोबिन पीसीवी दोनों बढ़ा लेकिन बीपी गिर गया, आपका फ्लूइड दे दीजिए, हीमोग्लोबिन और आपका पीसीवी कम हो गया लेकिन बीपी कम हो गया, इसका मतलब पेशेंट अभी भी बीपी नहीं मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे हीमो कंसंट्रेशन तो नहीं है, ब्लड ही नहीं है, तो ब्लड दे दो। फिर एक कंडीशन हम लोगों ने ये लिया, चाहे हीमोग्लोबिन पीसीवी कॉन्स्टेंट हो, चाहे थोड़ा सा फॉल करे, लेकिन यहाँ पे बीपी इम्प्रूव हो रहा है, मतलब पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, इसका मतलब जो ट्रीटमेंट आप कर रहे थे दैट इज गुड एनफ, है ना। अब यहाँ पे समरी लिख लेते हैं, अब मुझे लगता है सभी लोग डेंगू के पेशेंट को इसी तरीके से मैनेज करोगे।
पहली कंडीशन हम लोगों ने ले लिया एच बी बढ़ा, पी सी वी बढ़ा, बी पी कम हुआ, फ्लूइड। आगे देखेंगे डीएनएस नॉर्मल सेलाइन आर एल। दूसरी कंडीशन एच बी बढ़ गया, सॉरी कम हो करते हैं इसको, एच बी कम, पी सी वी कम। ठीक है, हम तो चाह ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा हीमो कंसेंट्रेशन ना हो, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं कि बीपी कम हो जाए। बीपी कम है इसका मतलब कहीं ना कहीं से ब्लड लॉस हुआ है, तब इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करो। तीसरी कंडीशन अच्छी वाली ले लेते हैं। अच्छी कंडीशन में हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन चाहे कम हुआ हो हल्का सा या नॉर्मल हो, पीसीवी आपका चाहे कम हुआ हो या नॉर्मल हो, बीपी आपका मेंटेन्ड हो या थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो, इसका मतलब ये पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है ना, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से हम लोग एक बार ऊपर आते हैं, तो इतना पढ़ लेने के बाद हम लोग आराम से कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी डिक्रीज्ड, कैन बी नॉर्मल। राइट, नॉर्मल है तो कुछ कहना ही नहीं, और उसके साथ लेकिन बीपी भी नॉर्मल होना चाहिए। पीसीवी की बात करते हैं, कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी डिक्रीज्ड, कैन बी नॉर्मल। इतनी देर से पढ़ रहे थे, उसका रिजल्ट आया इतना छोटा सा। ठीक है, तीसरी चीज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सी प्लेटलेट देखेंगे, सी हम लोग यहाँ पे प्लेटलेट देखेंगे। आइए देखते हैं प्लेटलेट काउंट। तो आप लोगों ने देखा था जो डेंगू की एंटीबॉडीज थी वो ब्लड वेसल को अटैक करती थी, और किसको अटैक करती थी, आपके एंडोसाइट, सॉरी प्लेटलेट को, प्लेटलेट को उन्होंने अटैक किया था, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिला था। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब लेस देन 1 लाख प्लेटलेट पर क्यूबिक मिलीमीटर। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा था ब्लड वेसल को ये अटैक कर रही थी, ब्लड वेसल को अटैक कर रहे थे तो वाटर लीक होता था, है ना, तो हम लोग कहते थे हीमो कंसंट्रेशन। इन दोनों को मिला लो तो आपका ब्लीडिंग। ठीक है, तो प्लेटलेट काउंट यहाँ पे अगर 1.0 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाए तो हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कितना सिंपल है, आगे चल के हम लोग देखेंगे अगर किसी का प्लेटलेट सिंपली 1 लाख से कम है तो इसका मतलब ये नहीं उसको प्लेटलेट चढ़ा दो, उसको जंबो पैक चढ़ा दो, वो सब गलत प्रैक्टिस है। अगर वो ब्लीड कर रहा है तब तो जाहिर सी बात है चढ़ाओगे, अदरवाइज जब तक 10,000 से कम ना हो जाए तब तक चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चढ़ाओगे उनको भी ये एंटीबॉडीज आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो तीन चीज हम लोगों ने ब्लड में मेनली देखा है। ठीक है, फालतू में टीएलसी डीएलसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन देखोगे, पीसीवी देखोगे, और आपका तीसरा चीज प्लेटलेट काउंट देखोगे। सबकी इंपॉर्टेंस बहुत डिटेल में देख ली गई है। आइए अब और सिंपल चीज पे चलते हैं जो आप लोग बहुत ज्यादा कराते हो पेशेंट से। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो डेंगी प्रोफाइल कराते हैं। डेंगी प्रोफाइल, मैंने कहा था डेंगी के आपके 4 टाइप के वायरस होते हैं, डेन1 से लेके डेन4। तो अगर कोई भी पैरासाइट बॉडी के अंदर आता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में नहीं होती हैं, है ना, उन्हीं को हम फॉरेन प्रोटीन्स या एंटीजन कहते हैं। तो इसके पास भी जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन। तो हम लोगों ने देखा भी था यहाँ पे जो एंटीजन होता था कौन सा होता था, NS1 एंटीजन। आप में से अगर कभी किसी को डेंगू हुआ होगा या कभी किसी पेशेंट को चेक कराया होगा तो NS1 एंटीजन चेक कराते हैं, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं NS1 एंटीजन, वेरी स्पेसिफिक डेंगू के केस में। ठीक है, लेकिन वैसे इसका नाम नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 होगा तो सब में NS1 एंटीजन ही कराएंगे। फुल फॉर्म इसका क्या है, नॉन स्पेसिफिक एंटीजन, NS1 एंटीजन हम लोग चेक कराते हैं पेशेंट में। अब देखो जब डेंगू आया तो एंटीजन लेके आया वो, लेकिन बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई और इस वायरस को किल किया या न्यूट्रलाइज किया, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम NS1 एंटीजन बॉडी से खत्म होने लगता है और जो दिखती है हमें बॉडी में वो एंटीबॉडी दिखती है, है ना। तो यहाँ पे और लिखते हैं थोड़ा सा, NS1 एंटीजन अपीयर्स
इन ब्लड ऑन सेकेंड डे एंड परसिस्ट अप टू 5 days. इसका मतलब अगर कोई डेंगू का पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, फीवर के सेकेंड डे आप करा रहे हो, चलो ठीक है, NS1 पॉजिटिव मिल जाएगा आपको, 5 दिन तक करा रहे हो तो पॉजिटिव मिलेगा. मान लो आप एक हफ्ते बाद करा रहे हो और NS1 पॉजिटिव नहीं मिला, तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि तब तक उसे एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर दी होंगी. तो इसका मतलब NS1 पॉजिटिविटी के जो चांसेस होते हैं, NS1 is done from day 2 to day 5, from day 2 to day 5. कोई भी पेशेंट आया है, आप उसका फ्रॉम फीवर, जिस दिन से फीवर आया है उसके day 2 से day 5 तक. अब बॉडी कुछ एंटीबॉडी भी बनाएगी इसके अगेंस्ट, देख लेते हैं. NS1 एंटीजन, इसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, है ना, एंटीबॉडी, और ये इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी, है ना. तो इसकी वजह से 5th day के बाद दिस एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज NS1 एंटीजन बाई 5th day. देयरफॉर NS1 एंटीजन विल नॉट बी फाउंड इन ब्लड ऑफ डेंगू पेशेंट आफ्टर 5 days. इसका मतलब 5 दिन से ज्यादा हो गया तो हमें फालतू में इन्वेस्टिगेशन NS1 नहीं कराना है, फिर हमें डेंगू की एंटीबॉडी देखनी है. अब यहाँ पे जब भी हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट की बात करते हैं, डेंगू प्रोफाइल, तो यहाँ पे अगर एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें, तो जब भी कोई भी इंफेक्शन होता है, केवल डेंगू की बात नहीं करते हैं, तो 2 टाइप की एंटीबॉडी बनती है. वैसे तो एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है, लेकिन 2 टाइप की मेनली बनती है अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है. तो जो पहली एंटीबॉडी अपीयर होती है वो IgM टाइप की, और अगर लेट इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो कौन सी एंटीबॉडी बनती है, आप लोग जानते हो, IgG टाइप. इसका मतलब है ये पहले बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, है ना. तो यहाँ पे 5 डेज तक NS1 आपको मिल सकता है, लेकिन 5 डेज के बाद NS1 मिलेगा नहीं. तो डेंगू प्रोफाइल में क्या कराएंगे हम लोग, IgM एंटीबॉडी देखेंगे, किसी को डेंगू हुआ था कि नहीं हुआ था, IgG एंटीबॉडी देखेंगे, राइट. कितना सिंपल है ये, तो यहाँ पे देख लेते हैं. और ये जो IgG है ये थ्रू आउट लाइफ रहेगा आपके पास, थ्रू आउट लाइफ. इसीलिए जिस डेंगू से आपको इन्फेक्शन हुआ उसे दोबारा नहीं हो सकता आपको, देयरफॉर इम्यूनिटी थ्रू आउट लाइफ, राइट. तो अगर मान लो Den1 से आपको इन्फेक्शन हो गया, तो दोबारा Den1 इसीलिए नहीं होता क्योंकि IgG टाइप लेट बनेगी, लेकिन ये पूरी लाइफ रहेगी. तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे देखें, देयरफॉर IgM डेंगी एंटीबॉडी कब कराएंगे हम लोग, जब पेशेंट 5 डेज पे आएगा फीवर के, या 5 डेज के बाद आएगा, एंटीबॉडी ग्रेटर या मोर इक्वल टू 5 डेज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक कंक्लूजन करते हैं डेंगू प्रोफाइल का. कंक्लूजन ऑफ डेंगू प्रोफाइल, बहुत ज्यादा कराया जाता है ये, आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो वो लोग ये नहीं देखते दिन कितने हो गए हैं फीवर को, हमेशा डेंगू प्रोफाइल करा लो, NS1 भी करा लो, IgG भी करा लो, IgM भी करा लो. IgG का तो कोई रोल ही नहीं है, IgG तो पास्ट इन्फेक्शन बताएगा, क्योंकि जब वो बीमार है तब तक बनेगा ही नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे डेंगू प्रोफाइल में हम लोग 3 चीज देखते हैं. नंबर 1 क्या देखते हैं, NS1 एंटीजन, ठीक है, अप टू 5 डेज, है ना. फिर उसके बाद सेकेंड चीज हम लोग क्या देखते हैं, IgM
डेंगी एंटीबॉडी है ना, कब देखते हैं, ग्रेटर और मोर देन 5 डेज। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या होता है, आईजीजी डेंगी, ये भी आपका आईजीएम के बाद आएगा, अक्सर 1 हफ्ते के बाद होता है। इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू तभी है जैसे किसी को पता लगाना हो और उसका टेस्ट ना हुआ हो, उसको डेंगी हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है, ये पास्ट इन्फेक्शन बताएगा। तो डायग्नोस्टिक वैल्यू केवल आपके इन दोनों की है ना, NS1 एंटीजन एंड IgM डेंगी हैज या हैव डायग्नोस्टिक वैल्यू। अगर किसी का मैं कहूं 7th डे पे आपने कराया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए फीवर आया डे 7 पे आपके पास पेशेंट आया, फालतू में आप NS1 एंटीजन कराओगे, पॉजिटिव आएगा ही नहीं, आएगा क्या पॉजिटिव, IgM डेंगी पॉजिटिव आएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फीवर आया आपको 3rd डे आए आप ओपीडी में किसी के, आप यहाँ पे डेंगी प्रोफाइल में क्या पॉजिटिव पा जाओगे, NS1 एंटीजन पॉजिटिव मिलेगा, अभी आपका IgM डेंगी नेगेटिव मिलेगा क्योंकि अभी ये बना ही नहीं है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस किससे बनेगी, आपका NS1 एंटीजन पॉजिटिव। हो सकता है 5th डे पे आए तो NS1 भी आपका पॉजिटिव आ जाए और IgM भी आपका पॉजिटिव आ जाए। ये काफी सिंपल था, इसको भी चैट सेक्शन में रिवाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन कराओगे जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तीसरे नंबर पे हम लोग देख लेते हैं सपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन, थर्ड सपोर्टिंग या सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन, ये तो और सिंपल है। मैंने कहा था जो आपकी ब्लड वेसल होगी वहां से वाटर लीक करता रहेगा, ये ब्लड वेसल है, बॉडी में कहीं तो जाएगा, हो सकता है यही वाटर आपका कहाँ पे चला जाए, लंग के किनारे किनारे इकट्ठा हो जाए, तो क्या कंडीशन कहते थे हम लोग, प्लूरल इफ्यूजन। कैसे पता चलेगा प्लूरल इफ्यूजन होगा, तो एक्सरे कराओगे भाई, प्लूरल इफ्यूजन चेस्ट एक्सरे है ना, चेस्ट एक्सरे PAVO, कुल मिला के एक एक्सरे करा लोगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपका ये हार्ट है, हार्ट के अराउंड जो कैविटी है दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी, यहाँ पे आपका क्या इकट्ठा हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया, क्योंकि जो ब्लड वेसल से निकला है कहीं तो जाएगा, हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरी मतलब बाहर बाहर, हार्ट के बाहर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब आप यहाँ पे इको कराओगे, 2D इको। तीसरी कंडीशन एक सिंपल सी और है जिसमें हम लोग कहते हैं, मान लो एब्डोमिनल कैविटी हो और उसके अंदर ढेर सारा पानी भर गया हो, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे पानी भर गया है दोनों पेरिटोनियम के बीच में, हम लोग क्या कहते हैं, एसआईटिस। एसआईटिस होगा तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन कराएंगे, ठीक है। चलिए चैट सेक्शन में आइए सभी।